कि कहना होता है कि ड्राइवर को चोट क्यों नहीं लगी है, वो मरा क्यों नहीं। अरे साला मरेगा तब तब मानोगे कि ये रियल एक्सीडेंट है या फिर। सो हे गाइस, अभी जो मिस्टर नैकर जो ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले जो ना मिस्टर नैकर का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कि उनकी न्यू ब्लैक कलर की महिंद्रा कार जो ना काफी बुरी तरीके से टूट गई थी। लेकिन दोस्तों उस कार का जो ना इतने बुरी तरीके से टूटने के बाद भी जब उस कार का एक्सीडेंट हुआ था, तो मिस्टर नैकर की टीम के जितने भी बंदे उस कार में बैठे हुए थे, तो उनमें से जो ना किसी भी बंदे के जो ना ज्यादा चोट नहीं आई थी। दोस्तों इसी को लेकर काफी साल जो ना मिस्टर नैकर को ये बोले लग गए थे कि उन्होंने फेक एक्सीडेंट किया है, ये उनका रियल एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि किसी की भी चोट नहीं लगी है। जिसके बाद जो ना दोस्तों मिस्टर नैकर ने उस कार का जिस कंपनी से इंश्योरेंस कराया था, उस कंपनी ने भी मिस्टर नैकर को जो ना उस कार का इंश्योरेंस क्लेम करने से मना कर दिया है। उनका भी यही बोलना कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ लेकिन किसी की भी चोट क्यों नहीं लगी है। तो दोस्तों इसी को लेकर के जो ना मिस्टर नैकर जो ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि दोस्तों उस कार को जो ना अभी पूरे 4 से 5 मंथ के बाद जो ना मिस्टर नैकर अपने घर पे लेकर के आए हैं, उसको लेकर के उन्होंने क्या काम खुद ही दिया। जब भी आप इंश्योरेंस कराए तो थोड़ा सोच समझ के कराए। हाँ, सभी कंपनी ऐसी नहीं होती, बहुत सारी कंपनी अच्छी भी होती है जो कि आपको मौका ही नहीं देती, आपका काम यूं चुटकियों में हो जाता है। और एक और मजे की बात पता है, सबसे बेतुका सवाल जो पूछा जाता है या फिर जो कि रीजन दिया जाता है, अगर मान लो किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है ना भाई, और अगर उसके अंदर ड्राइवर को चोट नहीं लगी है, तो उनका कहना होता है कि भाई उनका या फिर मतलब किसी का भी कि कहना होता है कि ड्राइवर को चोट क्यों नहीं लगी है, वो मरा क्यों नहीं। अरे साला मरेगा तब तब मानोगे कि ये रियल एक्सीडेंट है या फिर रियल ये हुआ है। अरे ये तो शुक्र मनाने वाली बात है कि यार कि गाड़ी इतनी अच्छी थी या फिर भगवान ने अच्छा किया, ऊपर वाले बजरंगबली साथ थे कि साला गाड़ी का कुछ भी सत्यानाश हो गया लेकिन बेचारे ड्राइवर को कुछ भी नहीं है, तो उल्टा खुशी मनाने वाली बात होती है ना, कि ये इससे जज किया जाता है कि उसको लगी नहीं, साले को उसको चोट नहीं लगी। हाँ मतलब लगनी चाहिए, तब जाके तुम्हारा क्लेम पास होगा, तब जाके वो सारी चीजें होगी। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना।